आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। 8 से 9 दिसंबर को होगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। समिट के मद्देनजर शहर को सजाया जा रहा है। देहरादून में जुटेंगे दुनिया भर के निवेशक और उद्यमी। उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपका ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अब तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज। 8 से 9 दिसंबर को ये इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा और समिट के मद्देनजर शहर को सजाया गया है। और इसी के साथ देहरादून में जुटेंगे दुनिया भर के निवेशक और उद्यमी। दुनिया भर से निवेशक उत्तराखंड आएंगे। 8 और 9 तारीख को आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और एसएमएस के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। और श्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक निवेश उत्तराखंड में लाया जा सके, जिसकी वजह से लोगों को अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में ना जाना पड़े और उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार मिले। इसके लिए लगातार श्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए, जहाँ पर उन्होंने निवेशकों को उत्तराखंड के बारे में बताया कि वो यहाँ पर निवेश क्यों करें। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, और जोरों शोरों पर चल रही हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां। और 8 से 9 दिसंबर के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। मोदी की अध्यक्षता में बैठक थी और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होना है उसमें मेन इवेंट जो तैयारियां करनी है उसके लिए जो अलग अलग कमेटीज बनी हैं, वो चाहे इन्विटेशन की है, चाहे इवेंट की है, चाहे सुंदरीकरण की है, सारी समितियों की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम करने हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। सुंदरीकरण का काम हम लोग प्राधिकरण से कर रहे हैं, उसमें भी हम और तेजी लाएंगे ताकि अगले 5-6 दिनों में हम लोग उसको कम्प्लीट कर लें। ऐसे देखिए मुख्य मुख्य जो देहरादून के मार्ग हैं, 13 सड़कें, वो लगभग सभी हमने ले ली हैं। जौलीग्रांट से आते समय या रायपुर की है या जो हमारा प्रिंस चौक का है, राजपुर रोड है, सारी रोड्स जितनी मुख्य मुख्य सड़कें हैं 13 सड़कें हमने चिन्हित कर रखी हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में 8 से 9 तारीख के बीच में समिट का आयोजन होने जा रहा है, तैयारियां तेजी से चल रही है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से 8 और 9 दिसंबर को यहाँ पर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है होना है, उसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरे जोरों पर है। मैं अपने पीछे अगर आप दिखाऊंगा कि ये ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर जो रंग रोगन का जो कार्य है वो कई दिनों से जो है ये चल रहा है। और जिस प्रकार से ये लक्ष्य रखा गया है कि 8-9 को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उससे पहले जो है जो देहरादून शहर का जो मुख्य चौराहा है उसका जो रंग रोगन का कार्य है वो पूरा कर दिया जाए। ये देहरादून का ये राजपुर रोड है और अगर आप देखेंगे तो पूरी जो दीवारें हैं इस पर रंग रोगन का कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। और देहरादून शहर की अगर आधा शहर की अगर बात की जाए, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून शहर तक लगातार जो सब जगहों पर जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर रंग रोगन का कार्य जो है वो चल रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए जो दुकानें हैं, जो मुख्य चौराहों पर जो दुकानें हैं उनको फसाद नीति के तहत यानी कि एक उनका जो साइन बोर्ड है उसको भी चेंज कराया जा रहा है। एक समान कलर के साथ जो है उनके साइन बोर्ड को जो है वो सजाया जा रहा है। ये रंग रोगन का कार्य कई दिनों से जो है ये चल रहा है और जिसके तहत जो है MDDA की ओर से ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 60 करोड़ के तहत जो है ये पूरे रंग रोगन का सौंदर्यकरण का जो कार्य जो है ये किया जा रहा है। इस पर जो खर्च जो किया जा रहा है MDDA की ओर से लगभग 60 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर जिस प्रकार से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो तैयारियां हैं काफ़ी दिनों से जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशों से लेकर नेशनल तक जो है जिस प्रकार से अन्य देशों में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से वहां पर गए और निवेशकों को उद्यमियों को जिस प्रकार से बुलाया गया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक जो है यहां पर निवेशक जो है यहां पर आएंगे, उद्यमी यहां पर आएंगे। और जिस प्रकार का लक्ष्य सरकार का रखा है कि 250,000 करोड़ का जो है लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ पर जो है खर्च किया जाएगा, यहाँ पर निवेशक आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो है जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें भी जो है कई करोड़ रुपये जो है वो खर्च किए गए थे, कई
कई निवेशक यहाँ पर आए, कई एमओयू जो है वो साइन किए गए थे, लेकिन इस बार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक जो है उत्तराखंड को अग्रिम राज्यों में जो है वो आगे बढ़ाना है, रोजगार की दिशा में जो है जिस प्रकार से को राज्य को बढ़ाना है उस दिशा में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसका काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है और इसका बड़ा भव्य आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसको लेकर भी तैयारियां जो है वो की जा रही है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक जो है अग्रिम राज्यों के तौर पर जो है उत्तराखंड आगे बढ़े, इसके लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, जैसा अभी आपने भी कहा और हम सब ने देखा कि किस तरीके से सीएम धामी लगातार राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर भी थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों के एमओयू साइन किए और कुल मिलाकर जो अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहां पर होने जा रहा है, कितना निवेश उत्तराखंड में आ रहा है? देखिए, सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 250,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है कि 250,000 करोड़ का लक्ष्य जो है निवेशक और उद्यमी आकर जो है यहाँ पर करेंगे। अभी तक 2,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो एमओयू जो है वो साइन हो चुके हैं, निवेशक जो है यहाँ पर आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जिस प्रकार से सरकार का लक्ष्य है कि फूड प्रोसेसिंग से लेकर पर्यटन की दिशा में जो है वो काम किया जाएगा, ज्यादातर फोकस इन चीजों पर किया जाएगा जिसको जो ज्यादातर यहाँ पर होता है, जो चीज जिसके लिए जो है बाहर जाना नहीं होगा, जो कच्चा माल है वो यहीं पर जो है वो मिल जाता है, तो इसको लेकर जो है ज्यादातर सरकार का फोकस है कि कम खर्चे में ज्यादातर निवेश जो है यहाँ पर किया जाएगा और ज्यादातर लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिल सके, इस पर सरकार का ज्यादातर फोकस है। क्योंकि पर्यटन जिस प्रकार से उत्तराखंड की रीट मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर अगर आर्थिकी कर उत्तराखंड की जुड़ी है तो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तीर्थाटन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर भी सरकार का ज्यादातर फोकस है कि जहां पर पैदल मार्ग है वहां को सुदृढ़ बनाना है, उन जगहों पर जो है नए नए आयाम जो है वो स्थापित करने हैं ताकि वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके, पर्यटन जो है वो आगे बढ़ सके। चार धाम के अलावा कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर जो है बाहर के लोग घूमने तो आते हैं लेकिन उसको जो है उस तरीके से जो है दिशा नहीं मिल पाई है, जिससे जो है वहां पर घूमने के लिए जो है पर्यटक कम आते हैं, उस पर जो है सरकार का फोकस रहेगा। बात कर ली जाए, अब विपक्ष की बात करूं उपेंद्र, जो है वो बात की जाए उपेंद्र, वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करूं, विपक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जब देखा गया था जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दौरे सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था सरकार पर, उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, केवल जमीनें बेची गई हमारी और कुछ नहीं, बस से ज्यादा। तो विपक्ष का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष का ये मानना है कि जिस प्रकार से जो है पहले भी इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुए थे तो वो भी हवा हवाई तरीके से जो है ये इन्वेस्टर समिट हुए थे, जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही दिखाई दी, क्योंकि कई हजार करोड़ की जो है एमयू साइन हुए लेकिन अभी तक पहाड़ में वो निवेश नहीं हो पाया, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं हो पाया जिससे कि यहाँ के युवाओं को जो है वो रोजगार मिल सके या यहाँ के लोगों को यह लग सके कि यहाँ पर जो है निवेशक आए, कोई कंपनी यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। उनका यही कहना है कि सरकार जो है इस बार भी 250,000 करोड़ का जो है लक्ष्य लेकर जरूर चल रही है कि एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, इन्वेस्टर समिट एक बार फिर से किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के इन्वेस्टर समिट यहां पर हो रहे हैं ऐसे में ये लग रहा है कि सरकार जो है सिर्फ हवा हवाई बातें कर रही है और एक आयोजन को एक भव्य बनाने की कोशिश कर रही है ताकि यहां के लोगों को का ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरीके के निशाने जो है विपक्ष की ओर से जो है लगातार जो है वो साधा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि इन्वेस्टर समिट होना काफी अच्छा है लेकिन उसका रिजल्ट भी आना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर 250,000 करोड़ रुपए का निवेश अगर यहाँ निवेशक यहाँ पर आते हैं निवेश करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर रोजगार की जो कमी यहाँ पर रहती है, पलायन की कमी जिस प्रकार का दंश जो उत्तराखंड झेल रहा है, उस पलायन को कम करना है तो रोजगार होना बहुत जरूरी है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो आखिर जब रोजगार मिलेगा तो सबसे पहले निवेशकों को पहाड़ चढ़ना होगा, लेकिन इस तरीके की चीजें जो है पहले नहीं हो पाई, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार में अगर निवेशक आ रहे हैं, उद्यमी आ रहे हैं तो पहाड़ पर सिर्फ जमीन बेचने के लिए जो है यहाँ पर निवेशक ना आए, यहाँ पर कुछ काम करने के लिए भी जो है वो निवेशक आए। चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने।